हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की टेस्ट सीरीज नंबर 6 को लेकर आए हैं। इससे पहले हम टेस्ट सीरीज डाल चुके हैं, उन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डाले हुए थे हमने सीरीज में। उसके चार ऑप्शन है, उसका आपको हमें करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना है। ये टेस्ट सीरीज आपके सीबीएसई नेट पेपर नंबर 2 के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। और आज की टेस्ट सीरीज हम शुरू करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें सूची नंबर 1 दी गई है और सूची नंबर 2 दी गई है। सूची नंबर 1 में दिए गए हैं पेरेंटो चार्ट पहला है, और बी है फिश बॉन डायग्राम, सी है फ्लो चार्ट एंड डी है जांच शीट। और सूची नंबर 2 में दिए गए हैं पहला है किसी प्रक्रिया में चरणों की चित्रात्मक प्रस्तुति, दूसरा है अभिलेखन चर का उपकरण, तीसरा है उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है, और चौथा है खामियों या समस्याओं और उनके मूल कारण के बीच संबंधों की पहचान करता है। इस क्वेश्चन में आपको आपस में मैच करना है और किसका राइट आंसर है। नीचे कोड दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। फिर जो भी आपका राइट आंसर है उसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, और इसका आंसर एक्सप्लेन वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो चलते हैं आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में सूची नंबर 1 दी गई है और सूची नंबर 2 दी गई है। सूची 1 में 4 ऑप्शन है और सूची नंबर 2 में भी 4 ऑप्शन है, को आपस में आपको मैच करना है और आपको फिर करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखते हैं सूची नंबर 1 में क्या क्या है। सूची नंबर 1 में है पहला न्यू जैन लिप, दूसरा है लिप्सिस, तीसरा है कोहा और डी है ओपन विब्लियो। और सूची नंबर 2 में सन दी गई है, पहला है 1984 और दूसरा है 2000, तीसरा है 2005 और चौथा है 2002। नीचे कोड दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। जो भी राइट आंसर है वो आपको हमें बताना है। अब चलते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये पूरा जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है 6, वो पूरी सूची मैचिंग पर्पस से बनाई गई। पूरे सारे क्वेश्चन मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपस में मैच करना है और आपको राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। सूची नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में सन दी गई है, आपस में मैच करना है आपको, फिर हमें राइट आंसर आपको बताना है। पहला है सूची नंबर 1 में गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, दूसरा है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, तीसरा है कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और चौथा है गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। सूची नंबर 2 में दिए गए पहला है 1965, दूसरा है 1993 और तीसरा है 2009 और चौथा है 2001। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से जो भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मैच करना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सूची दी गई है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में दिए गए हैं पहला है प्रदत्त संग्रह का स्रोत, दूसरा है किसी विषय पर साहित्यिक सामग्री का स्रोत, तीसरा है विषय अवधारणा का प्रतिनिधित्व और चौथा है किसी प्रलेख का संघनन। सूची नंबर 2 में दिया गया है पहला है सार, दूसरा है अनुक्रमणिका, तीसरा है प्रसूची और चौथा है ग्रंथ सूची। नीचे कूट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इसमें से जो भी राइट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सूची नंबर 1 में AACR2 और सूची नंबर 2 में संयोजक चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन आपको और सूची नंबर 2 में संयोजक जो चिन्ह होते हैं वो दिए गए हैं, आपस में मैच करना है आपको और उसके बाद करेक्ट आंसर आपको हमें बताना है। तो देखते हैं सूची नंबर 1 में पहला है प्रलेख का आकार, दूसरा है उत्तरदायित्व विवरण, सी है प्रकाशकों के स्थान तथा नाम के बीच और चौथा है सह सामग्री। और सूची नंबर
टू में दिए गए संयोजक चिन्ह दिए गए हैं वो कौन कौन से देखते हैं। पहला है कोलन और दूसरा है योग यानी कि प्लस और तीसरा है अर्धविराम यानी कि सेमी कोलन और चौथा है विकर्ण श्लेष। नीचे दिए गए हैं कूट दिए गए हैं आपको 1, 2, 3 एंड 4 आपको उसमें से मैच करना है आपस में सूचियों को मैच करना है और उसके बाद करेक्ट आंसर को आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सूची नंबर 1 दी गई है और सूची नंबर 2 दी गई है। सूची नंबर 1 में पहला है विषय वर्गीकरण, दूसरा है वर्गीकृत पर्याय कोश और तीसरा है क्लासा ओरस और चौथा है अपूपा। और सूची नंबर 2 में दिए गए हैं जो पहला है जे एड चिंसन, दूसरा है एस आर रंगनाथन, तीसरा है जे डी ब्राउन और चौथा है जी भट्टाचार्य। में से चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से जो भी राइट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में सूची नंबर 1 में पहला है शास्त्रीय विचारधारा, दूसरा है एक्स और वाई सिद्धांत और तीसरा है नेवार्क आदान प्रदान प्रणाली और चौथा है MBO। सूची नंबर 2 में पहला है जॉन कर्टन डाना, दूसरा है हेनरी फेयोल, तीसरा है पीटर ड्रकर, चौथा है डगलस मेक ग्रेगर। ठीक है, जो भी आपको राइट आंसर है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है समझना है उसके बाद मैचिंग करके जो करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित अनुक्रमणीकरण सारकरण प्रकाशनों को संबंधित संस्थानों के साथ सुमेलित करें। सूची नंबर 1 दी गई है और सूची नंबर 2 दी गई है। इसमें सूची नंबर 1 में दिए गए हैं चार हैं और सूची नंबर 2 में दिए गए जो आपस में आपको मैच करने हैं और फिर आपको हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो सूची नंबर 1 में पहला है इंडियन साइटेशन इंडेक्स, दूसरा है इंस्पेल भूत लच्छी 1970 और तीसरा है मेड इंड और चौथा है इंडियन एनिमल साइंस ऑब्स्ट्रैक्ट। सूची नंबर 2 है, इसमें दिया गया है पहला ICMR, दूसरा है ICAR, तीसरा है दिवा इंटरप्राइजेस दिल्ली और चौथा है नेस्डॉक। इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है सूचियों को और करेक्ट आंसर जो नीचे कूट दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4 उसमें जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और राइट आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित पदों को संबंधित लेखकों साथ सुमेलित करें। सूची नंबर 1 में दिए गए हैं चार ऑप्शन है आपके पास और सूची नंबर 2 में आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं वो आपको आपस में मैच करने हैं उसके बाद करेक्ट आंसर आपको हमें बताना है। सूची नंबर 1 में पहला है नॉलेज इकोनॉमी, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा है इंफॉर्मेटिक और चौथा है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। और सूची नंबर 2 में पहले है मिखाइलो चेर्नी और गिलियरवस्की और दूसरा है कैल्विन मूअर्स और तीसरा है पॉल ऑटलेट और चौथा है पीटर ड्रकर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आपस में मैच करना है सूचियों को उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है। ओके, कंटिन्यू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दी गई है। इसमें सूची नंबर 1 में पहला है ग्रंथ सूची, दूसरा है जीवनी और तीसरा है सांख्यिकी स्त्रोत और चौथा है समाचार पत्र डाइजेस्ट। सूची नंबर 2 में दिए गए पहला दिल्ली में डेंगू से हाल में मरने वालों की संख्या, दूसरा है एक पुस्तक के खंडों की संख्या, तीसरा है महात्मा गांधी के सहोदरों की संख्या और चौथा है मुंबई में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या। इसमें कूट दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4 आपस में मैच करना है सूचियों को और करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में मूलभूत श्रेणियों को
संगत उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, मूलभूत श्रेणियों को संगत उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में दिए गए हैं, सूची नंबर 2 में जो आपस में आपको मैच करना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। सूची नंबर 1 में पहला दिया है एशिया, दूसरा पुस्तक चयन, तीसरा माइक्रोफिल्म और चौथा है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। सूची नंबर 2 में दिया गया है पहला पदार्थ, दूसरा व्यक्तित्व और तीसरा ऊर्जा और चौथा स्थान। ये आपस में मैच करना है और मैच करने के बाद जो भी राइट आंसर है आपको लगता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है ACI प्रतीकों CC 6 संस्करण छठा संस्करण को उनके संगत एकलों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ACI प्रतीकों CC छठवां संस्करण को उनके संगत एकलों के साथ सुमेलित करना है। सूची नंबर 1 में दिए गए, सूची नंबर 1 में पहला है P, दूसरा है K और तीसरा है W और चौथा है N, और सूची नंबर 2 में पहला है सम्मेलन, दूसरा है विश्वकोश और तीसरा है जीवनी और चौथा है क्रमिक प्रकाशन। इसमें से मैच करना है आपको, जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दी गए हैं। सूची नंबर 1 में पहला है J39.2 और दूसरा है J39.4, तीसरा है J39.9 और चौथा है J39.14। सूची नंबर 2 में पहला है सारांश के लिए दिशा निर्देश और दूसरा है ISSN, तीसरा है अनुक्रमणिकाओं और संबंधित सूचना पुनः प्राप्ति सेवाओं के लिए दिशा निर्देश और चौथा है अंतर विनिमय प्रारूप हेतु सूचना। आपस में मैच करना है आपको सूचियों को और नीचे कोड दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दी गए हैं। सूची नंबर 1 में पहला है वेब 1.0, दूसरा है वेब 2.0, तीसरा है वेब 3.0 और चौथा है वेब 4.0। सूची नंबर 2 में पहला है जन केंद्रित और भागीदारी पूर्ण द्यु दिशात्मक और दूसरा है वैश्विक फाइलों का संयोजन और एकीकरण, तीसरा है महत्वपूर्ण जन समूह की भागीदारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मानव मशीन अंतर क्रिया और चौथा है स्थिर और एक दिशात्मक। मैं सूचियों को आपस में मैच करना है और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें करेक्ट कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में सूची नंबर 1 और सूची 2 दी गई है। सूची नंबर 1 में पहला है औपचारिकृत शोध, दूसरा है संकल्पनात्मक शोध और तीसरा है वर्णनात्मक शोध और चौथा है मूलभूत शोध। सूची नंबर 2 में दिया गया है पहला अमूर्त विचारों का निर्वचन, दूसरा सर्वेक्षण और तथन्यावेषण संबंधी प्रच्छाएं और तीसरा सिद्धांत का प्रतिपादन और चौथा तात्विक संरचना और परीक्षण की जाने वाली प्राकल्पना। सूचियों को मैच करना है और करेक्ट आंसर है नीचे कोड दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। आज की टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन 15 क्वेश्चनों को लेकर आए, उसमें सूचियों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन वैसे ही थे इस टेस्ट सीरीज में, और इन सूचियों को आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को और आपस में मैच करना है और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और आपको सेंड करना है। उसके जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है राइट आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे जो भी न्यू अपडेट है वो आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।